रंगिया थाने पर शांति समिति की बैठक किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना के प्रांगण में थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह और प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर की संयुक्त अध्यक्षता में ईद रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक किया गया, जिसमें बताया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता को पालन करते हुए उक्त पर्व को शांति ढंग से मनाने का काम किया जाए। मौके पर संजीव कुमार शंभू, रामचंद्र प्रधान, पार्थेश्वर सिंह के अलावे अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ईद में भी मूवमेंट रहेगा, ईद का जो नमाज होगा उसमें प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर 12 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो 11 स्थलों पर एक आदमी थाना सुरक्षित, उन 11 जगहों पर हम लोग रहेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईद का जो नमाज होगा वो शांतिपूर्ण ढंग से होगा और हम लोग उसमें अपना आपसी भाईचारा देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो कल ग्रीन और एस पी साहब का जो निर्देश था इन सब त्यौहारों के लिए को लेकर कि जो भी जुलूस निकालना है उसका लाइसेंस लेना, रामनवमी का जुलूस का हम लोग रूट चार्ट सब जो है दिए हैं बनाए हैं, लेकिन लाइसेंस अभी तक वो नहीं देता। हम वकील साहब के पास इरादा है वॉलंटियर कम से कम 50 दीजिए, क्योंकि जुलूस लंबा हो जाएगा, एक आगे का आदमी लास्ट आदमी क्या कर रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जुलूस को आप 2-3 भाग में बांट लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक के भाई फलाना कंट्रोल देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ही देखेंगे जुलूस के लेंथ में, तब आप जुलूस को कंट्रोल कर पाइए, क्योंकि जुलूस का जो मॉब होगा वो कम एज का बच्चा सब संख्या में ज़्यादा रहता है, हथियार उथियार लहराना प्रतिबंधित है, तो हथियार के साथ मान लीजिए अगर कोई ठिकाना करे खासा कि मैंने दुर्घटना हो जाए तो उसकी बीमारी से आयोजक की गई उसको देखना है हम लोग को, तो जुलूस का लाइसेंस जो है वो उनको बात कीजिए आए ना, तो लाइसेंस लेने भाई देखिए दूर हमारा आप जुलूस निकाले हम आपको रोके नहीं जाएंगे, हम लोग तुमसे अब नाम उठा के तैयार कर सकते क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा लड़ने का हमारा काम नहीं ना लड़ने के लिए, हम क्यों हम अपने फोन किए बड़ा वो परसों फोन किए बोले कि सर हमारा रंजीत आया था जी आए हुए हैं आए हैं लाइसेंस का जो प्रक्रिया है वो लिख के दिए हैं अभी पॉइंट पर में देना होगा, फॉर्म है फॉर्म बड़ा उपलब्ध कराएंगे, प्लस में आप वॉलंटियर का सूची नाम और मोबाइल नंबर दीजिए घंटे घंटे रिपोर्ट का कंट्रोल रूम बना हुआ, तो हम लोग रूट चार्ट दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, शुरुआत का समय और लगभग अंत का भी समय होगा सब दिए हुए, हाँ तो सब उसको दे दीजिए, उसको वही से दूसरा फॉर्म में मांगा जा रहा है और उसमें और क्या क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि आचार संहिता लागू है उसके अनुसार कुछ और निर्देश उसमें जोड़ा गया, उसमें आपको यही देखना है कि किसी राजनीतिक दल का पार्टी का उसमें प्रचार प्रसार न हो, आप अपने धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो धार्मिक कार्य कीजिए, उसको राजनीतिक आयोजन उसको बन जाए, उसमें इसको मिलाएंगे तो फिर दूसरे तरह का दिक्कत होगा। दुर्गा पूजा का अभी वहाँ पर क्योंकि सबसे मुख्य मेरा हमको लग रहा है सिंधिया में वही है कलाली चौक है, वहाँ मेरा उला रहता है, भीड़ भाड़ भी रहता है, प्रखंड के भाग सब अलग अलग भाग से लोग आते हैं, दूसरे प्रखंडों के लोग भी आते हैं और बढ़िया रहता भी है, उसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लीजिएगा और बिजली जैसे जो लगाए हैं देखिए दुर्घटना क्या होता है, गर्मी का टाइम है तार उड़ देखिए नंगा न रहे, 20 को टेप ले रहेगा तो समूचा तार को जहाँ हुआ जोड़ जाएगा, टेंट वाला जो हो तो पहले ही आपका जिम्मेवारी रहेगा, क्योंकि वो सब जो भी मटेरियल से टेंट पंडाल अपना बना के दुकान लगाता है जो सामग्री बेचता है सब जो मैंने श्रृंगार वाला सब सामान से और जो भी पहलू सब इतना जल्दी जलने वाला है कि उसको थोड़ा सा अगर सावधानी नहीं रखा जाएगा तो उसमें आएगा आप जा के भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ बाल्टी रखिए, बाल्टी में बालू रखिए, ड्राम में पानी वगैरह का व्यवस्था, मान लीजिए फायर ब्रिगेड को फोन कीजिएगा जाएगा तो करते वो आपका साड़ी के झुंडी या इस सबसे बने का तो सब सुहा हो तो उस सब थोड़ा सा प्रिकॉशन आप अपने स्तर से इसको समझिए कि बहुत जरूरी है। नंगा तार पैंगा कर रहा हूँ जोड़ देता है चाहे वो अनुभव वही स्कूल लेगा उन्हें जोड़ देगा उसको देख के मैंने आपने से भाई टेप मार दी टेप नहीं लगा तो टेप अपने से दे दीजिए समझा हो इसको थोड़ा सावधानी रखेंगे हम लोग जैसे जुलूस में और जुलूस में देखिए माइनर एज का बच्चा गाड़ी उड़ना चाहते हैं वीडियो वीडियो वायरल हो जा रहा है अपना सब कुछ थोड़ा सा कंट्रोल का वॉलंटियर जरूरत है, वॉलंटियर का जैसे प्रशासन का नहीं हो रहा है आप अपना आइडेंटिटी कार्ड टाइप क्या बना दीजिए कुछ पूजा समिति है वो बना के निबंध दे दीजिएगा, क्योंकि 50 को दीजिएगा तो उसमें से 15 में 10 वो रहेगा बाकी 10 दूसरा जगह घूमे चल जाएगा, वो 15 अपने में अपना सेटिंग कर लेगा कि 15 आदमी रहे, महिला पुरुष इंटरेस्ट सब अलग बनाते ही हैं आप
जो आपका है उसको थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए। सी सी का उल्लंघन तो हम लोग जान बचाने के लिए हम लोग देखेंगे कि उस चौक पर है यहाँ राहत दोनों जगह। जान का मेन कारण है बस वाला के बस रुकने का, टेम्पू वाला सवारी चाहने में लोग जान का मेन कारण है रिक्शा शेयर ना बस ले आता है लोग का बस ना हम लोग निकलते हैं स्टैंड यहाँ रोड पर लगा के नहीं रखे पाँच सात मिनट।